हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा इजी सा लेडीज सॉक्स का डिज़ाइन लेके आई हूँ। अंगूठे वाले सॉक्स बनाएंगे और टू कलर में बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये हमारा डिज़ाइन बन के आया है और बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए इसको मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाया है, परफेक्ट साइज बन के आया है। इसको मैंने यहाँ से बॉर्डर से बनाना शुरू किया है और यहाँ पर आके इसका एंड किया है। तो देखिए 5 और 6 नंबर के लिए मैंने यहाँ पर 52 यानी 52 फंदे डाले हैं। अगर आप 5 और 6 बुनना चाहते हैं तो आप सेम ऐसे ही बुन लीजिएगा, 52 फंदे डाल के सेम इतना ही डिजाइन डाल के आप बना लीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं 7 और 8 नंबर में तो ये फंदे आप इतने ही डालिएगा, या आप यहाँ पर 54 फंदे डाल लीजिएगा, या 52 ही फंदे डाल के जो ये जाली मैंने डाल के फंदे बढ़ाए हैं दोनों तरफ, तो मैंने यहाँ पे 14 फंदे बढ़ाए इस साइड में, 14 फंदे बढ़ाए इस साइड में। अगर आप 7 और 8 नंबर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 16 फंदे इस साइड बढ़ा लीजिएगा, 16 इस साइड, यानी दो दो सिलाइयाँ, दो दो डिजाइन और डाल लीजिएगा, तो ये 7 और 8 बन जाएगा। और आप इसको बनाना है 4 नंबर साइज में तो आप ये जाली, दो जालियाँ कम कर देना तो ये 4 नंबर बन जाएगा। तो सभी साइज के लिए मैंने ये मेजरमेंट बता दिया है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है, जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है, और बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। किसी भी कलर में बनाइए, उसी कलर में ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, अंगूठे वाली सॉक्स पसंद आई हो, मेरी लेडी जुराब पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। तो चलिए बुनना शुरू कर चलिए बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने एक लाइट पिंक कलर लिया है, एक ब्लैक लिया है और मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पिंक से फंदे डालेंगे, तो इतने धागे को हम डबल करेंगे और यहाँ पे एक नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद ऐसे एक फंदा बना लेंगे, इस तरह से फंदा बनाएंगे और डबल धागे को अंगूठे पे करेंगे, सिंगल को उंगली पे करेंगे। इस तरह से यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और सिंगल का फंदा बना लेंगे, फिर यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और सिंगल का फंदा बनाएंगे, ऐसे डाल लेंगे और सिंगल का फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 52 यानी 52 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 52 यानी 52 फंदे डाल लिए। अब देखिए यहाँ से बॉर्डर बनाएंगे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए ऐसे ही हम 6 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो देखिए 6 सिलाइयों का मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। 3 धारियाँ हमारी सीधी तरफ हैं और 3 धारियाँ हमारी बैक साइड में हैं। तो अब यहाँ से बॉर्डर बनाने के बाद हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो मैंने ये ब्लैक कलर ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ से हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे, साइड में डिजाइन डाल लेंगे और सेंटर में हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिलाई है। तो देखिए 3 फंदे सीधे, 1, 2 और 3, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा बनाएंगे, फिर 1 स्लिप करेंगे, फिर से 1 फंदा बनाएंगे, फिर से 1 स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा बनाएंगे, फिर से 1 स्लिप करेंगे। तो ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद आगे ये 7 फंदे बनाएंगे, 1 स्लिप करेंगे, 1 बनाएंगे, 1 स्लिप करेंगे, 1 बनाएंगे। तो अब यहाँ पर अब 6 फंदे बनाएंगे,
दो, तीन, चार, पांच और छह। तो देखिए, इन्हीं फंदों को फिर से हम रिपीट करेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, ऐसे पर्ल वाइज एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। तो ये सात फंदे बनाएंगे, एक स्लिप एक बनाएंगे, एक स्लिप एक बनाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर हमारे तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये 23 फंदों में हमने डिजाइन डाला है, और यहाँ पर भी हम 23 फंदों में डिजाइन डालेंगे। तो सेंटर में हम यहाँ पर 6 फंदे अब सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा ऐसे अपनी तरफ करेंगे, और यहां पर अब दो फंदे सीधे जाली डालते हुए, दो फंदे फिर धागा अपनी तरफ। अब देखिए, यहां पर दो फंदे बुने, फिर जाली डाली, फंदा बढ़ गया, फिर से दो फंदे सीधे बनाएंगे और फिर से ये जाली डाल लेंगे। तो यहां पर फिर से दो फंदे सीधे। तो ये अब हमारे पास यहाँ पर सेंटर में दो जाली बन गई दोनों तरफ। ये जो दो फंदे सीधे हैं, ये सीधी तरफ से सीधे बनाएंगे और बैक साइड से उल्टे बनाएंगे। जाली से फंदे बढ़ते जाएंगे। और अब आगे देखिए, जो ये डिजाइन हमने 23 फंदों में डाला है, यही डिजाइन यहाँ से डालेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ पर स्लिप है, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर एक स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे। तो ये 7 फंदे हमने बना लिए। अब फिर 6 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच और छः, फिर से स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, फिर से स्लिप करेंगे, तो एक फंदा फिर से बनाएंगे, फिर एक स्लिप करेंगे, लास्ट में फिर हमारे स्टार्टिंग की तरह ऐसे ब्लैक 3 फंदे आ जाएंगे। तो ये डिजाइन की फर्स्ट रो थी इस तरह से। अब आ जाइए डिजाइन की सेकंड रो में। तो देखिए, सेकंड रो को भी फिर से ब्लैक कलर से बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो बुने हुए फंदे हैं ब्लैक, उनको सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से धागा पीछे करेंगे, ऐसे सीधा बनाएंगे। एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये स्लिप फंदा है, इसको ऐसे स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, स्लिप फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करके बुने हुए फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे। अब ये 6 फंदे हैं, इनको फिर सीधा बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच और छः, धागा अपनी तरफ। अब फिर ये फंदा स्लिप है, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ स्लिप करेंगे, धागा पीछे फिर से सीधा, धागा अपनी तरफ स्लिप करेंगे, धागा पीछे फिर से सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ स्लिप करेंगे। तो देखिए, ये 23 फंदे फिर से बुन लिए। अब देखिए, यहाँ पर जो सेंटर में दो फंदे हैं, इन दो फंदों को उल्टा बनाएंगे और फंदों को सीधा बनाएंगे। तो एक और दो और तीन, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो सेंटर के दो फंदे हैं, इनको उल्टा बनाएंगे।
अब फिर धागा पीछे करेंगे और फिर से ये फंदा सीधा बनाएंगे, ये दो फंदे भी सीधे बुन लेंगे। अब फिर धागा अपनी तरफ, अब फिर ये डिजाइन वाले फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से सीधा फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ स्लिप करेंगे, धागा पीछे, ऐसे ही बुनते हुए इन सभी फंदों को हम बुन लेंगे। स्लिप को स्लिप करेंगे, बुने हुए को सीधा बनाएंगे, ऐसे। तो सेकंड रो बन के कंप्लीट हुई। और अब फिर आ जाइए राइट साइड में, थर्ड रो में जो ये डिजाइन है साइड वाला 23 फंदों का, ये 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है, तो 2 सिलाई इस डिजाइन की बन गई हैं। अब देखिए फिर से हम पिंक कलर लगाएंगे, तो पिंक कलर से हम ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। डिजाइन हमारा 2 सिलाइयों में ही डलेगा, 2 सिलाइयाँ फिर हमारी सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी। अब ये जो स्लिप फंदा है इसको भी बना लेंगे ऐसे। अब ये सभी फंदे सीधे सीधे पिंक कलर से बनाते जाएंगे इस तरह से। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा और बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए ये 23 फंदे अब हमारे बन गए यहां तक। अब देखिए अब ये जो सेंटर के फंदे हैं, जो ये बीच में फंदे हैं, यहां पर 2 फंदे ये बीच में सीधे हैं और ये यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे, तो ये 2 फंदे बुनेंगे देखिए। और ये फंदा हमारा फर्स्ट रो में हमने बढ़ाया था, इसको भी सीधा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाना है, या तो आप ऐसे जाली करते हुए ही फंदा बढ़ा लीजिए, या आप इसी इस तरह से फंदा डाल लीजिए तो जाली नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर धागा आगे करेंगे, फंदा बढ़ाएंगे, हर सीधी सिलाई में सीधी तरफ से जाली डाली, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर से ये 3 फंदे सीधे, ये बढ़ा हुआ फंदा और 2 फंदे हमारे पास पहले थे। और अब आगे के फंदे फिर पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। ये तीसरी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए फोर्थ रो में, यानी बैक साइड चौथी सिलाई में। यहाँ से ये फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे, जो सेंटर के फंदे हैं 2 फंदे वो भी हम सीधा सीधा ही उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, सभी फंदे पूरी रो को हम ऐसे ही सीधा सीधा बना लेंगे। तो देखिए इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करते हुए डिजाइन की और सेंटर में फंदा बढ़ाते हुए इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक सिलाई और बना के दिखा देती हूँ। ये 3 फंदे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप, फिर एक फंदा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे। तो ये 7 फंदे बुन दिए। अब फिर से 6 फंदे ब्लैक, 1 2 3 4 5 और 6। अब फिर स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए ये बीच में जो फंदे हैं, यहाँ जाली तक, यहाँ तक हम फिर ये 4 फंदे, हर बार एक फंदा यहाँ पर बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 फंदे बनाएंगे। अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 और 2। अब फिर जाली डालेंगे और ये 4 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, 1 2
तीन, चार, इस तरह से। फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, ये छह फंदे बनाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः। फिर से स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, ये तीन फंदे लास्ट के बना लेंगे। तो इसी तरह से डिजाइन डाल लेंगे। वो अब बैक साइड से आएंगे, फिर बुने हुए फंदों को जैसे मैंने सेकंड रो में बनाया था, बुने हुए बनाएंगे सीधे, स्लिप वाले स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए यहाँ सेंटर में हम फंदे बढ़ा लेंगे, इस तरह से यहाँ से एक एक फंदा बढ़ता जाएगा और बीच के दो फंदे सीधे चलते जाएंगे। तो इसकी लेंथ को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए लेंथ बनके हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। 14 फंदे हमने यहाँ से बढ़ाए हैं एक एक फंदा करते हुए, और 14 फंदे हमने इस साइड से बढ़ाए हैं, तो टोटल हमारे ये 28 फंदे बढ़ गए और 52 फंदे हमने डाले थे, तो नीडल पे अब हमारे ये 80 फंदे हैं। तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात डिजाइन हमने ब्लैक डाले हैं और सात हमारे पिंक हैं, तो 14 डिजाइन डल गए। अब देखिए आगे इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आया है। अब इन फंदों को हम जैसे हाफ हाफ करेंगे, तो मैंने ये डिजाइन को दिखाने के लिए दोनों सिलाइयों पर फंदे किए थे, तो इनको वापस इसी सिलाई पे लेंगे। तो देखिए अब हमारी नीडल पे टोटल 80 फंदे हैं। तो अब यहां से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे सभी फंदों को, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए 80 फंदे हम बुनेंगे उल्टे उल्टे। तो पूरी रो को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे, दोनों तरफ से ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पे चार सिलाइयाँ बना लेंगे। तो देखिए चार सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं, तो हमारी दो धारियाँ बन के आई हैं, दो सिलाइयों में हमारी एक ये लाइन बन के आती है, तो चार सिलाइयाँ बनाएंगे जब हमारी ये दो धारी बन के आएंगी। अब इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे, तो दो भागों में हम बांटेंगे, 80 फंदे हैं तो हम यहाँ पे 40 फंदे बुनेंगे। तो देखिए ये दो सिलाई बनाने के बाद इन दो सिलाइयों में हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है, ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हम 40 फंदे बनाएंगे, 40 फंदे उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए ये हाफ फंदे मैंने बुन लिए, जो ये दो फंदे सीधे थे इसमें से एक फंदा यहाँ तक बुना, तो 40 फंदे टोटल बन गए। अब देखिए यहीं से ही हम टर्न करेंगे और फिर यहीं से भी हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पे 12 सिलाइयाँ बुनेंगे, हाफ फंदे ही बुनेंगे, हाफ फंदे बगैर बुने ये रखेंगे, ये हाफ फंदे उल्टा उल्टा बनाते हुए 12 सिलाई टोटल बना लेंगे। तो देखिए ये सिलाइयाँ मैंने बुन ली है, अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो 12 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं और दो सिलाई पहले थी, तो टोटल हमारी सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई, दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, इस फंदे को लेंगे वापस इसी पे दो का एक करेंगे, इस फंदे को नॉर्मल रखेंगे और इस पे लेंगे और फिर ऐसे ही बाइंड ऑफ करेंगे, फिर वापस इसी नीडल पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेंगे और दो का एक करेंगे। तो देखिए ऐसे ही करते हुए इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ तक इनको बाइंड ऑफ करेंगे, फिर यहाँ से सेंटर से धागा ज्वाइंट करके और इन 40 फंदों को फिर सेम इतना ही पार्ट बना के तैयार करेंगे। इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे इसकी सिलाई कैसे करेंगे। तो देखिए इस तरह से बन के कंप्लीट हो गई है, अब हम इस सॉक्स की सिलाई करेंगे।
तो देखिए ये सीधा हिस्सा है और ये बैक्स है, और तो इसको इस तरह से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और देखिए सुई में धागा डालेंगे और यहाँ से एक नोट लगा के इसको ऐसे पक्का यहाँ पे करेंगे, बारीक बारीक टांग के लगाएंगे, ज़्यादा बड़े टांग के यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे पक्का करने के बाद अब इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए अब इसकी सिलाई हम सीधी तरफ से करेंगे। तो देखिए इस तरह से धारी के अंदर हम ऐसे धारी मिलाएंगे, यहाँ से ये फंदा इस तरह से उठाएंगे, फिर दूसरी तरफ वाली धारी का फंदा उठाएंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर इस धारी से लेंगे, ऐसे ही डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे, यहां से यहां तक करेंगे और यहां से यहां तक करेंगे। इतने पार्ट को हम आगे खुला रखेंगे, जितना इस साइड में खुला है इतना ही इस साइड में बगैर सिला रखेंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार इस धारी से लेंगे, ऐसे यहाँ से डालेंगे और फिर इसके अंदर से ऐसे डालेंगे, यहाँ से डिजाइन के अंदर डिजाइन को सेट करते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए पता भी नहीं चलेगा, जैसे हमारे छह फंदे यहाँ पे हैं ऐसे ही छह फंदे यहाँ पे ये बन जाएंगे, सेम डिजाइन बनता आएगा, पता भी नहीं चलेगा इसकी सिलाई किस तरफ से की हुई है। तो इसी तरह से फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई कीजिए। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई की है। अब धागे को कट करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये अंगूठा यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए बनने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है और बनाना बहुत ही आसान है। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। किसी भी कलर में आप बनाइए, उसी कलर में ये डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। तो देखिए इसको मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बना के कंप्लीट किया है। तो देखिए अगर आपको मेरा ये अंगूठे वाली सॉक्स, शूज, जूती ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। थैंक यू।